SN Live सच सबसे आगे। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़ सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन लाइव। हुसैनगंज में पारिवारिक कलह में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, पीएमसीएच रेफर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव में शुक्रवार की दोपहर एक युवक ने पारिवारिक कलह से अजीज आकर आत्महत्या करने के लिए जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीड़ित की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गाँव निवासी इरशाद अली के 26 वर्षीय पुत्र खुर्शीद अली के रूप में हुई है। घटना के संबंध में पीड़ित परिजनों ने बताया कि खुर्शीद पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। परिजनों द्वारा बार बार पूछे जाने के बावजूद भी वह कुछ नहीं बता पा रहा था। बताया कि परिवार के सभी लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसी दौरान खुर्शीद कहीं बाहर से आया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब परिजन उसे खाना खाने के लिए पूछने उनके कमरे में गए तो देखा कि खुर्शीद के मुँह से झाग निकल रहा है। इसके बाद परिवार के महिलाओं ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद परिवार के अन्य पुरुष दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे, जिसके बाद उसके इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर बताते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। एसएन लाइव से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।